इनके अंदर तो लिखा हुआ इलेक्शन होने तो आईन के मुताबिक चलेंगे। इख्तलाफात शुरू हो गए जी, सुना है कोई टाइम पटास हो रही है उनकी आपस में। इलेक्शन की बिल्कुल तैयारी जनाब तरीके इंसाफ की मुकम्मल है। इलेक्शन के लिए जब भी इलेक्शन कॉल करें तरीके इंसाफ तैयार है, बाकियों का मुझे नहीं पता। अस्सलाम वालेकुम असलम साहब, क्या हाल है? जबरदस्त हैं। क्या कहेंगे आप असलम साहब? चले गए सर जी। हाँ, अगर कोई 11:30 बजे पहुंच जाऊंगा, अगर आपको पता चलता है कोई सीक्वेंस हमारा का टाइम निकले वो तो बता। कैसे हो भाई जान? समर साहब क्या कहेंगे तो आपकी आगे इलेक्शन के हवाले से, कि इलेक्शन होने जा रहे हैं कि नहीं है वक्त है? सर आईन के अंदर तो लिखा हुआ है इलेक्शन होने, तो आईन के मुताबिक चलेंगे। क्योंकि अभी इख्तलाफात शुरू हो गए जी, सुना है कोई टाइम पटास हो रही है उनकी आपस में। तो आप क्या समझते हैं इलेक्शन की तैयारी में हैं आप? इलेक्शन की बिल्कुल तैयारी जनाब तरीके इंसाफ की मुकम्मल है। इलेक्शन के लिए जब भी इलेक्शन कॉल करें तरीके इंसाफ तैयार है, बाकियों का मुझे नहीं पता। लेकिन जो कराची में इलेक्शन हुए, कश्मीर में हुए, उस पर बड़े तफजात हैं, उस पर क्या कहेंगे आप? यार ये तो तकरीबन तमाम जितने भी इलेक्शन हुए हैं उन सब के अंदर यही हुआ है कि पार्टीज़ ने, सिर्फ एक पार्टी नहीं, तकरीबन तमाम पार्टीज़ ने एतराज़ात उठाए हैं। और यही हम बार बार कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जब तक ऐसा माहौल नहीं पैदा करता कि तमाम पार्टीज़ को उस पर एतमाद हो और उनके ज़रिए सारी कौम को एतमाद हो, तो पाकिस्तान में जो पहले के इलेक्शन के बाद मसाइल आप देखते रहे, वही आइंदा भी आप देखते रहेंगे। इलेक्शन होगा, उसके बाद लोग कहेंगे गलत हो गया, धांधली हुई। पीटीआई की टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगे या किसी और पार्टी के? टिकट मिलेगा तो जरूर लड़ेंगे। ठीक है भैया।